बॉलीवुड के दबंग खान के सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियोस और तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से एक सलमान खान को पेंटिंग करना कितना पसंद है, ये बात तो हर कोई जानता है। हाल ही में सलमान खान का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो की खास बात यह है कि इसमें सलमान खान के साथ उनके भांजे आहिल शर्मा भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में सलमान नन्हे आहिल को पेंटिंग सिखाते हुए दिख रहे हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में सलमान खान बहन अर्पिता और आयुष शर्मा के बेटे आहिल को गोद में उठाकर उनके पैरों से पेंटिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सलमान खान पेंटिंग करने के साथ साथ एक बच्चे की तरह ही अपने भांजे के साथ फर्श पर लेटकर मस्ती करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखें ये प्यारा सा वीडियो। वहीं इससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें सलमान अर्पिता की बेटी को प्यार से खिलाते नजर आ रहे थे। इस वीडियो को देखकर आप भी कह उठेंगे कि सलमान को बच्चों से बहुत प्यार है। आप भी देखें ये वीडियो। सलमान अपने परिवार के काफी करीब हैं। हाल ही में सलमान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह अपनी मां के साथ भी नजर आ रहे थे। वीडियो में सलमान खान को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अपनी मां का कितना ख्याल रखते हैं। सलमान जिस तरह से अपनी मां का हाथ थाम कर चल रहे हैं उसे देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। आप भी देखें वो वीडियो। सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। सलमान की बॉडी और लुक से फैंस काफी इंस्पायर होते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान बीते दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग करने रूस गए थे। सलमान आखिरी बार दिशा पटानी के साथ फिल्म राधे में नजर आए थे। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। वहीं आने वाले समय में सलमान की फिल्मों में अंतिम और टाइगर 3 शामिल है। इसके अलावा सलमान खान 2 अक्टूबर से बिग बॉस सीजन 15 होस्ट करने जा रहे हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।